25x40। जी हाँ दोस्तों, 25x40 में अगर आपको 3 बेडरूम के साथ मकान को देखना है तो आपने बिल्कुल सही प्लान यहाँ पे क्लिक किया है। बिल्कुल सही प्लान आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका हम सबको डिस्कस करेंगे तो आपको साइजेस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे तो आपको सारा कुछ समझा देते हैं। पहले मकान की बात करें तो मकान जो है 25 फ्रंट है, 40 फिट गहरान है और 1000 स्क्वायर फिट में इसमें आपको 3 बेडरूम 1 2 3 बेडरूम, ये किचन, ये लेटरिन बाथरूम, ये सीढ़ी, ये हॉल, ये बरामदा, इस तरीके से आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेड कलर के कॉलम्स हमने मार्क किए हैं, सारे रेड कलर के कॉलम्स हैं, ये मार्क किया गया है, इसको मैं एक बार हाइट पर करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉलम का जो साइज रखा है वो 10x10 का रखा है क्योंकि एक ही मंजिल बनाना है। अगर आप उससे उसके ऊपर जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉलम का साइज आपका चेंज हो जाएगा, वो आपको एज पर डिजाइन आपका जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपको उस तरीके से डिजाइन दे देगा, क्योंकि हम लोग भी डिजाइन करते हैं, हम लोग भी स्ट्रक्चर इंजीनियर ही हैं। ठीक है, आप अगर हमसे कोई नक्शा बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, बाकी बाहर की जो दीवार है वो 9 इंची रखिए आप फॉर सेफ्टी रीजन हो गया एक। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए बाहर की दीवार पे आप जो विंडो इस पर रखते हैं तो 4 इंची की दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन 5 इंची जो 9 इंची की जो दीवार है उस पर क्रैक्स नहीं डेवलप होता। ठीक है, और अंदर की जो वॉल्स यहाँ पर रखे गए हैं उसको 5 इंची या 4 इंची आप बोल सकते हैं, इस तरीके से रखा गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से 5 इंची या 4 इंची का आपकी अंदर की जो भी दीवार है रखा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका रहेगा ये पूरा कंप्लीट वॉल्स। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये आपका विंडो है, अभी मैं स्टेयर है इसको मैं अभी समझा दूंगा किस तरीके से आपका रहेगा, अभी मैं बना करके कंप्लीट दिखा दूंगा। अभी फिलहाल इसकी मैं वॉल्स को थोड़ा हाइट पे करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका लगभग 6 फिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। और हाँ, फ्रंट में आपको स्टेप्स इस तरीके से सीढ़ी मिल जाएगा, तो यहाँ पे सीढ़ी को भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। कुर्सी का लेवल जो हमने रखा है 2.5 फिट रखा है ताकि थोड़ा सा मकान ऊपर रहे तो थोड़ा खूबसूरत दिखता है, हाइट पे मकान थोड़ा खूबसूरत दिखता है। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा हाइट कर दीजिए आप, अब ऐसा लगे कि आप किसी अदालत में जा रहे हैं या फिर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वो वाला प्लान मत बनाइए। बस सिंपल सा जो एक नॉर्मल हाइट होता है 3 फीट से 4 फीट आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुर्सी का लेवल यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए इस तरीके से, इस पैटर्न में, इस लुक्स में आपको पूरा ये डिज़ाइन वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लिंथ का जो लेवल है 2.5 फीट ही रखा है ताकि थोड़ा वाटर लॉगिंग की दिक्कत ना, जैसे मान लीजिए आपका आसपास पानी की दिक्कत है, मतलब पानी लगता है अगर खेत वगैरह बना रहे हैं थोड़ा सा, तो मकान ऊपर बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपके लिए हमेशा ये यूजफुल रहेगा अगर मकान थोड़ा सा हाइट पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा, तो इसकी हाई, इसका जो कुर्सी लेवल है इसका भी मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दरवाजे वगैरह, मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपके दरवाजे वगैरह कट करने के बाद आपको मकान किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मेन जो है गेस्ट रूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम यहाँ पे हो जाएगा, पहले ये बरामदा रहेगा फिर इसके बाद ये गेस्ट रूम आपका रहेगा, इसका दरवाज़ा बाहर से दिया गया है। यहाँ पे आपका मेन गेट इस साइड में ही आपका मेन गेट, ये बीच से दिया गया है मेन गेट आपका। ठीक है, ये आपका मेन गेट हो जाएगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। बाकी एक दरवाज़ा चाहें तो आप गेस्ट रूम के अंदर से भी आप दे सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ पे दे दीजिए चाहे आप यहाँ दे दीजिए, वैसे यहाँ देंगे तो ठीक है, ठीक है, या फिर यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पे दीजिए क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट के सामने ही गेट पड़ेगा तो ठीक नहीं है, इससे बेहतर है किचन के बगल से आप दे दीजिए। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो आप कैंसिल कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया टॉयलेट बाथरूम, ये आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यल पैटर्न पे प्लेटफॉर्म है, किचन के जो प्लेटफॉर्म है इसको यल पैटर्न पे कास्टिंग किया गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यल पैटर्न पे आपका किचन के प्लेटफॉर्म इस तरीके से कास्टिंग किया गया है। बाकी ये आपका एक डोर या दरवाज़ा यहाँ पे आपका दिया गया है। और इसके बाद पीछे साइड में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं इस तरीके से आपका 2 बेडरूम। ठीक है, ये आपका पहला बेडरूम हो जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आपका दूसरा बेडरूम, तो पीछे आपके 2 बेडरूम यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। और इसमें जो भी वॉल्स पे विंडो वगैरह है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मकान दिखेगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरा आप देख सकते हैं, गांव का प्लान है, जिसमें खिड़की वगैरह आप चारों साइड यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं, फ्रंट में आप एंट्री करेंगे तो आपका बरामदा हो जाएगा, यहाँ पर आपको गेस्ट रूम मिल जाएगा, ठीक है। दरवाज़ा बाहर से है, इसके बाद मेन गेट ये रहा, यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर के लिए, यहीं पर टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। अगर आप ओनली बाथरूम भी बनाना चाहते हैं तो इसको बाथरूम भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक दरवाज़ा चाहे तो आप अंदर से भी दे सकते हैं। इसके बाद ये आपका किचन हो जाएगा। सीढ़ी आप देख सकते हैं इस तरीके से, सीढ़ी को मैं अब समझा देता हूँ। 7 इंची राइजर है, 10 इंची इसका थ्रेड है और 6 फीट में सीढ़ी बना हुआ है। और यहाँ पे लैंडिंग, आपकी जो लैंडिंग है, इस तरीके से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इससे थोड़ा लुक भी बेहतर आ जाएगा और प्लस आपका स्पेस भी थोड़ा बच जाएगा। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिलता है, हॉल वगैरह मिलता है इस तरीके से। अब चलते हैं साइजेस वगैरह आपको डिस्कस कर देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या साइजेस में रखा गया है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन मकान का जो साइज है वो आपका, मैं ये 25x40 में ही बनाया हूँ या फिर उससे ज़्यादा बनाया हूँ, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 25 फीट हो गया इधर से और इधर से हो गया 40, 25x40 में आपका ये मकान बना हुआ है। इसके बाद बात करें 8 फीट 3 इंच बरामदे का जो साइज़ है, इंटू 11 फीट 11 इंच आपका बरामदे का साइज़ हो जाता है। यहाँ की बात करें तो 12 फीट, ठीक है, जो आपका गेस्ट रूम है, 12x13 का आपका गेस्ट रूम मिलता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 4 फीट 4 इंच का पैसेज, ठीक है, 5 फीट 2 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का आपको ये टॉयलेट बाथरूम मिलता है। ये आपका 12 फीट 10 इंच और ये हॉल जो है इंटू 15 फीट 2 इंच, काफ़ी स्पेसिस आपको हॉल मिलता है। इस हॉल की इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी साइज़ में। और किचन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 8 फीट इंटू 6 फीट 6 इंच में आपका किचन रहेगा। और सीढ़ी, एक सीढ़ी जो है 3 फीट है और टोटल जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो 6 फीट में बना हुआ है। पीछे साइड की बात करें तो ये आपको 12 फिट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, रीडिंग उन्होंने गलत ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 12 फिट यहाँ से हो गया और इसके बाद 12x12 में आपको ये बेडरूम मिलता है पीछे वाला, और दूसरा बेडरूम 11 फिट 2 इंच इंटू 12 फिट में आपको मिलता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से, अलग अलग एंगल से। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेके, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।